हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। अगले क्वेश्चन हमारा एरिया अंडर कर्व का है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। एरिया बाउंडेड बाय अंडर द कर्व y इक्वल टू रूट 3x प्लस 4 एंड x एक्सिस x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 4 इंच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ लाइन जरूरत दी है, क्योंकि देखिए बस आप एक ही कर्व हमारे पास और जो सेकेंड कर्व है बोला x एक्सिस है, तो इसको क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये कर्व क्या है, उठंगा 3x प्लस 4, ये हमारा कर्व दिया हुआ पाला, दूसरा हमारा x एक्सिस है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम अपना लिमिट से लिमिट पुट करके एरिया निकाल लेंगे। तो हमारा जो एरिया बाउंडेड जाएगा, एरिया बाउंडेड तो कितना होगा, देखिए लिमिट भाई कहाँ से कहाँ तक, x 0 से x इक्वल टू 4 तक जा रहा है, x 0 से 4 तक y dx। y क्या है आपका पास, y इक्वल टू रूट 3x प्लस 4 है, तो लिमिट पुट करते हैं 0 टू 4 रूट 3x प्लस 4। ठीक है, dx। ठीक है, देखिए ये तो बहुत सिंपल सी इंटीग्रेशन है। अब देखिए इसको आप 3x प्लस 4 को अब t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, t इक्वल टू 3x प्लस 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो t इक्वल टू 3x प्लस 4 इसको आप दो साइड x से डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, डी टी वाई डी एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हमारा डी टी वाई 3 इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट को चेक कर लेते हैं, टी इक्वल टू 3x प्लस 4 है, तो अगर हमारा व्हेन x इक्वल टू 0 होगा, x 0 होगा तो टी की वैल्यू कितनी होगी, देखिए तो 3 इंटू 0 प्लस 4, तो 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4। जब x इक्वल टू 0 होगा तो टी हमारा 4 हो जाएगा, व्हेन x इक्वल टू हमारा 4 होगा, x इक्वल टू 4 होगा तब हमारा टी कितना हो जाएगा, कि 3 इंटू 4 3 इंटू 4 प्लस 4। ठीक है, तो 3 इंटू 4 कितना होगा, 12 प्लस 4 हमारा 60 हो जाएगा, 16। ठीक है, तो हमारी नई लिमिट आ गई है, और यहाँ से हमारा dx की वैल्यू dt by 3 हो गई। ठीक है, तो बस वैल्यू चेंज कर देते हैं इसका, तो लिमिट हमारी कहाँ तक जाएगी, 4 टू 16, तो 0 पे जाओगे 4 16 रूट अंडर, इसको हमने t पुट किया था, t मान लिया आपने, इसको इसके लिए हम t लिख देते हैं, और देखिए dx को हमारा क्या है, dt by 3, तो dx को तो dt by 3। ठीक है, अब ये सिंपल इंटीग्रेशन हमारा, आपको पता होगा फॉर्मूला है का इंटीग्रेशन का, सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है x का पावर n dx को टू क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 वेयर n नॉट इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, इसी का यूज करके हम अब देखिए t पे पावर वो देखिए रूट है, तो रूट क्या होता है, इसको ऐसे ऐसे लिख देते हैं 16 इंटू 4 टी का पावर 1 बाई 2 डी टी, और बाहर 1 बाई 3 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 बाई 3 इंटू टी का पावर 1 बाई 2 कितना है, इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा टी का पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, हमने कर दिया, और लिमिट कहाँ से कहाँ है हमारी 4 टू 16, हमारी लिमिट है 4 टू 16। ठीक है, 1 बाई 3 1 बाई 3 इजी, अब यहाँ 3 बाई 2 है तो 2 हमारा नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे 2 बाई 3, और इसको अभी लिमिट के अंदर रखते हैं, पता लगाएंगे लिमिट हम। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2 बाई 9। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर 16 पे पावर 3 बाई 2 माइनस 4 पे पावर 3 बाई 2। ठीक है, हो गया ना, देखिए अब हमारा एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल हो जाएगा 2
2 by 9, ठीक है, ठीक है, 16 का पावर 3 बाई 2, तो कैसे करेंगे, तो चलो 16 का पावर 1 बाई 2 कर देंगे, उस पर पावर 3, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्म का देखिए, अगर सपोज है, यहाँ पे x का पावर a बाई बी है, किसके इक्वल हो जाता है, x का पावर 1 बाई बी, फिर होल का पावर ये हो जाता है, ठीक है, तो इसी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे माइनस 4 पावर 1 बाई 2, इसके पावर 2, ठीक है, देखिए, एरिया इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, एरिया इक्वल हो जाएगा 2 बाई 9, एरिया इक्वल टू कितना होगा एरिया इक्वल टू 2 बाई 9 यहाँ पे 9 हमारा 2 बाई 9 64 माइनस 8 कितना होगा हमारा 64 माइनस 8 होगा 56 तो एरिया कितना जाएगा 56 इंटू 2 कितना होगा 112 बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स ठीक है फिर कौन सा ऑप्शन बेस्ट कर रहे हैं तो हमारे ऑप्शन नंबर 4 बेस्ट कर रहे हैं ठीक है तो एक बार और सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में y = 3x + 4 दिया था और दूसरा भी ग्राफ दे दिया था तो जल्दी वैसे क्वेश्चन में एक ही ग्राफ दिया हो और x एक्सिस दे दिया हो तो हम उस क्वेश्चन में ग्राफ भी बनाते हैं और डायरेक्ट मतलब जो डिमिटर उसको पुट करके आगे प्रोसीड करते हैं तो एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आते हैं तो हम वैसे ट्राई करेंगे ठीक है